वसुंधरा विरोधी से गठबंधन को तैयार बीजेपी, राजस्थान में गठबंधन को लेकर वसुंधरा की नहीं चलेगी। हनुमान बेनीवाल की एनडीए में वापसी की तैयारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल बढ़ गई है। पार्टी अब कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान में भी गठबंधन की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल को अपने पाले में करने की तैयारी में है। हनुमान बेनीवाल पहले बीजेपी में ही थे। 2008 का विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीता, लेकिन बाद में वसुंधरा राजे सिंधिया से उनके मतभेद हो गए और फिर 2013 का विधानसभा चुनाव उन्होंने निर्दलीय जीता। 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में बीजेपी को हार मिली, तो उसके बाद से ही राजे को बीजेपी में किनारे लगाने की कोशिश तेज हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से गठबंधन किया और नागौर से बेनीवाल लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन कृषि कानून के खिलाफ उन्होंने एनडीए छोड़ दिया। बेनीवाल उसके बाद से ही मोदी सरकार के खिलाफ तीखे बयान दे रहे थे, लेकिन अब उनके बयानों की भाषा बदल गई है। दावा किया जा रहा है कि बेनीवाल बीजेपी हाईकमान के संपर्क में है। वसुंधरा राजे सिंधिया आरएलपी से गठबंधन को तैयार नहीं है। उनका दावा है कि बीजेपी अकेले ही राज्य में सरकार बना सकती है। राजे गुट की ओर से बेनीवाल के पीएम मोदी पर दिए गए पुराने बयानों का भी हवाला दिया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने एनडीए से खुद को अलग किया था, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान इस मामले में वसुंधरा की राय से अलग रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। बेनीवाल को भी इस बात का एहसास है कि राजस्थान में वसुंधरा गुट के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वसुंधरा की स्थिति बीजेपी में इस समय 2018 के मुकाबले काफी कमजोर दिखाई दे रही है। ऐसे में बेनीवाल के साथ बीजेपी गठबंधन को वीटो करने की स्थिति में वो नहीं है। बीजेपी हाईकमान बेनीवाल को एनडीए में लाने की तैयारी कर चुका है। हनुमान बेनीवाल भी अब गहलोत सरकार के खिलाफ तो तीखे हमले कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर अचानक ही उनका रुख नरम हो गया है। अब जब पीएम नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को खुद नागौर आ रहे हैं, तो चर्चा है कि हनुमान बेनीवाल एनडीए में वापसी कर सकते हैं। बेनीवाल नागौर से ही सांसद हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने एनडीए में वापसी के सवाल पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की है। दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में बेनीवाल को मंत्री भी बनाया जा सकता है। बीजेपी की नज़र कुछ सहयोगियों पर भी है, इसलिए अभी मंत्रिमंडल के फेरबदल में देरी भी की जा रही है। अब इंतजार है 28 जुलाई से पहले का। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानून के खिलाफ एनडीए छोड़ा था। मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दबाव में कृषि कानून वापस ले लिए। ऐसे में बेनीवाल के लिए अपने समर्थकों को जवाब देना भी मुश्किल नहीं होगा। दरअसल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हुई सुलह के बाद से बीजेपी राजस्थान में अपना सामाजिक आधार बढ़ाने में जुटी हुई है। हनुमान बेनीवाल की राज्य के जाट मतदाताओं पर जबरदस्त पकड़ है, जो कृषि कानून और उसके बाद पहलवानों के आंदोलन के चलते नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में बेनीवाल के सहारे बीजेपी एक बार फिर जाट मतदाताओं को अपने पाले में ला सकती है। राजस्थान में हुए लगभग 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में आरएलपी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई थी, इसलिए बेनीवाल की ताकत का अंदाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों को है। दोनों दल हनुमान के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे। अब एनडीए के साथ आ रहे दलों ने संकेत दे दिए हैं कि उनकी बीजेपी की सरकार में भागीदारी बढ़ेगी। नागौर लोकसभा की सीट भाजपा ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को दी थी, और बेनीवाल अगर एनडीए में आते हैं तो इस बार भी उनके हिस्से नागौर की सीट आएगी। इसके अलावा बीजेपी करीब 1 दर्जन विधानसभा सीट भी बेनीवाल को सौंप सकती है। फिलहाल राजस्थान में आरएलपी के 3 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दनौदरपण न्यूज़।